आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शहर कांग्रेस ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शहर कांग्रेस ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चिल्लू ने प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं पर सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है, प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी मतलब बेटी जलाओ पार्टी बन चुकी है, इसके नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। आज क्या ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम ज्ञापन जो हाथरस प्रकरण में मनीषा की आवाज, जिस वाल्मीकि समाज के जो लीडर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं माननीय स्वराज जीवन जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के हाथरस के जिलाध्यक्ष विक्रमादित्य भाषणे जी, उनके खिलाफ उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन ने उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है। झूठे झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है, न्याय लोगों को दिया नहीं जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है तो कंगना रनौत को दी जा रही है। जिस परिवार को सुरक्षा की जरूरत है उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर इस तानाशाह सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदलाल भारती ने कहा कि सरकार का ध्यान विकास कार्यों पर ना होकर सूबे के लोगों को धर्म और जाति के नाम पर विभिन्न मुद्दों पर उलझाए रखना है, इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है ये दोषी लोगों को बचा रही है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं। अगर इस तरह का हथकंडा अपनाया तो कांग्रेस जन सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे, पीएफआई के नाम पर, देशद्रोह के नाम पर। योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस जन इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है हत्याएं, बलात्कार ये तो ऐसी रोजमर्रा की आइटम हो गए हैं, चीज हो गई हैं, इनका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। और यह सरकार बजाय उनको पकड़ने के उनके बचाव में जुटी हुई है। उनको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर दोषी है तो उसको सजा दिलवानी चाहिए, उसको जेल के सीख से रखना चाहिए, ना कि जो बेचारा परेशान है, पीड़ित है, उसको आप परेशान करें। यही हमारी मांग है, यही कहना चाहते हैं। प्रदर्शन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र चिल्लू ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।